सो गाइस, हाँ ये सच है कि फोन खो गया, चोरी हो गया फोन। और जब ये फोन चोरी होता है ना, तो सिर्फ फोन चोरी नहीं होता, उसके साथ हमारे अरमान, हमारे फोटोज, हमारे वीडियोस, कंटेंट सब गायब हो जाता है, सब चोरी हो जाता है। लेकिन फिलहाल नया फोन लेके आ गया हूँ, इसी से वीडियो बनाऊंगा, इसी से ब्लॉग बनाऊंगा, कंटिन्यूसली अपलोड करूंगा वीडियो चैनल पे। लेकिन 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 गाइस, एक चीज और है, पता है क्या है? समझना, ठीक है, बात को समझना। ब्लॉग बना रहा था, ब्लॉग पर जीमेल आईडी मेरी लॉग इन थी, समझ गई? ठीक है, जीमेल आईडी लॉग इन थी, जीमेल आईडी पे फोन नंबर मेरा, कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट सब ठीक था। अब फोन गया, सब कुछ गया, फोन सॉरी यूट्यूब चैनल को मैं लैपटॉप पे एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है, कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इसमें पहले ही लॉगिन किया हुआ है। अब दिक्कत यह है कि मैं फ़ोन में लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप कहोगे कि यार कैसे नहीं कर पा रहा, क्योंकि जीमेल आईडी तो तेरे पास है, तेरे को याद है, पासवर्ड तेरे को याद ही होगा, तो कैसे नहीं कर पा रहा? जीमेल आईडी जैसे ही लॉगिन कर रहा हूँ तो वो एक्सेस करने के लिए ओटीपी भेज रहा है फ़ोन नंबर पर। फ़ोन नंबर मेरा पहले ही बंद हो चुका था। फ़ोन नंबर जो था वो मैंने बहुत पहले लिया था, ठीक है, 2017 17 के अराउंड लिया था, 16 17 के अराउंड लिया था। यानी कि उस टाइम पे वो मैंने अपने नाम पे नहीं लिया था, वो आधार कार्ड से मैंने अपने नाम पे नहीं लिया था, वो ऐसे ही इलीगली मैंने ले लिया था। अब दिक्कत क्या आती है, वो नंबर को मैं दोबारा खुला नहीं सकता, कोड में दोबारा ले नहीं सकता। अब चीज़ें मैं सुबह से लगा हूँ लैपटॉप पर, लेकिन मैं भाई जीमेल आईडी एक्सेस ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने कितने तरीके अपना लिए, लेकिन वो जीमेल आईडी एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। अब दिक्कत क्या होती है, अब दिक्कत सुनो, जीमेल आईडी लॉगिन नहीं होगी फ़ोन पे, तो मैं यूट्यूब वीडियो डाल नहीं पाऊंगा। चलो मान लिया मैंने वीडियो वीडियो बना ली, लैपटॉप से अपलोड कर लिया। अब दिक्कत आती है, कल को अगर लैपटॉप में कुछ खराबी आ गई, कुछ दिक्कत आ गई, तो ये किसी और डिवाइस पे तो लॉगिन हो ही नहीं रहा है, तो इसी में होगा, मतलब सारा कंटेंट चले जाएगा और मैं उसे लॉगिन ही नहीं कर पाऊंगा। लेकिन भाई इस पर 350 सब्सक्राइबर हो गए थे, व्यूज़ भी ठीक आ रहे थे, वॉच टाइम सही चल रहा था भाई, चैनल ग्रो कर रहा था, मतलब सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, कमेंट वमेंट सब सही आ रहे थे, व्यूज़ ठीक आ रहे थे। अब इस चैनल को इस टाइम पे बंद करना, कि जब ये ग्रो करने के टाइम पे इसे बंद करना, बहुत बड़ी दिक्कत है। और एक नया चैनल खोलना, वहाँ से फिर से स्टार्ट करना हर चीज़ को, बहुत बड़ी दिक्कत है भाई, बहुत बड़ी दिक्कत है। सुबह से लैपटॉप के सामने बैठा हूँ, बस यही चेक करने पे लगा हूँ कि कैसे मैं उस जीमेल आईडी को अपने उसमें फिर से रिकवर कर सकूं, लेकिन नहीं, नाकामयाब हर कोशिश है मेरी। बस सुबह से बस अपना दिन बर्बाद कर रहा हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि यार इस चैनल को यहीं पर रहने देते हैं, नया चैनल बनाते हैं, उस पर वीडियो अपलोड करते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो सब्सक्राइबर वहाँ के थे वो अब मुझे नहीं पता, लेकिन अब क्या करूँ, नया वीडियो नया चैनल बनाऊंगा, उस पर नए सब्सक्राइबर, नए सब्सक्राइबर आप भी होंगे, खैर पुराने वाले भी, लेकिन बहुत से होंगे जो नहीं होंगे, ठीक है। और लेकिन यार फिर से स्टार्ट करना, फिर से सब्सक्राइबर जोड़ना बहुत बड़े मुश्किल, बहुत बहुत मेहनत का काम है यार, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। लेकिन क्योंकि मैंने फ़ोन अब इसी वजह से लिया है कि ब्लॉगिंग तो मेरे को करनी ही करनी है, मेरे भाई ब्लॉगिंग तो करनी ही करनी है, तो मैंने दूसरा फ़ोन लिया है, ठीक ठाक है, कैमरा भी आपको ठीक ठाक ही है, चल जाएगा। तो ब्लॉगिंग करनी है, वीडियो बनाने हैं, फर्क नहीं पड़ता स्टार्ट करेंगे या वहीं से चलेंगे। देखो कदम तो उठाना पड़ेगा, अब आज नहीं उठाऊँ कल तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो ना, ठीक है, समझ रहे हो? तो मेरे को स्टार्ट को करना पड़ेगा, तो इससे चैनल नया बनाऊंगा। मेरे को नहीं पता क्या बनाना है अभी, क्या चैनल का नाम होगा, क्या होगा पता नहीं, लेकिन मैं नया जो भी बनाऊंगा, कंटेंट बनाऊंगा, वीडियो डालूंगा, चाहे इस चैनल पर डालूँ चाहे नए चैनल पर डालूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं डालूंगा वीडियो, कंटेंट आएगा। तो देखते हैं यार आप किस कब तक उसकी आशा में डूबे रहेंगे, वो भी मेरी एक्स की तरह चली गई, अब कभी ना आया, सिर्फ वो यादों में है, वापस तो आने से रही है ना, तो मुश्किल है उसका मिलना भी। एक्स नहीं, फोन की बात कर रहा हूँ, कंसंट्रेट करो बातों पे, कंसंट्रेट करो, कहाँ बात कर रहा हूँ, एक्स नहीं फोन की बात कर रहा हूँ। तो मुश्किल है यार भाई उसका मिलना, और देखते हैं
नई गर्लफ्रेंड के साथ यानी नए फोन के साथ नई लाइफ शुरू करेंगे, वीडियो बनाएंगे और आपको एंटरटेन करेंगे। जय माता दी, जय श्री राम। तो देखते हैं, वीडियो तो अपलोड करूंगा मैं, वीडियो अपलोड करूंगा ऐसा था वही है, कंटेंट कहीं ना कहीं तो आएगा, आएगा जरूर आएगा, कंटेंट कहीं ना कहीं तो आएगा, आना है उसे। तो वीडियो तो अपलोड करनी है, चाहे किसी भी चैनल पर करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा भाई वीडियो बनाएगा, वीडियो बनाएगा तुम्हारा भाई। तो यार लव यू ऑल, आपने सपोर्ट किया है और उम्मीद है कि आप सपोर्ट करेंगे, मेरे को पता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे, अगर ये नया चैनल है और पुराना भी है तो फिर भी सब्सक्राइब कर ही दो। सो गाइस, ये था पूरा सीन जो मैंने आपको बताया। तो भाई नया चैनल बना लिया है और अब जो भी नए ब्लॉग आएंगे वो सिर्फ उसी पे आएंगे। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाके डिस्क्रिप्शन चेक करो और लिंक पर क्लिक करो और नए चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी सपोर्ट करो, सपोर्ट बनाए रखो, बाकी तुम्हारा भाई मचाएंगे फिर से नए चैनल में। लव यू और बाय। सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, बाय।